बुधवार को हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 कंपनियों ने भाग लिया और प्रदेश भर के युवाओं ने इस मेले में रोजगार के लिए आवेदन किया। रोजगार मेले की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडी ने की, जिन्होंने कहा कि भले ही बारिश की वजह से आज रोजगार मेले पर असर पड़ा हो, लेकिन आने वाले समय में और भी ज्यादा रोजगार मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। रोजगार मेले में विभिन्न व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक बीएससी एमएससी फार्मा टी फार्मा आईटीआई फिटर इलेक्ट्रीशियन टनल मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेल्डर ऑटोमोबाइल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिक मैकेनिकल बीटेक एमटेक इलेक्ट्रिकल केमिकल कंप्यूटर साइंस फुटवेयर और मे डिप्लोमा व डिग्री निर्धारित की गई। इस मौके पर जिला रोजगार अधिकारी संदीप ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार मेले में 1149 युवाओं ने रोजगार मेले में भाग लिया था, जिसमें से 531 युवाओं को रोजगार दिया गया है और 145 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये आज जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है टोटो ग्रुप में, इसमें 1149 जो बेरोजगार युवा थे वो उपस्थित हुए और जिसमें से 531 को रोजगार यहाँ पे प्राप्त हुआ है और 145 आवेदक जो है वो शॉर्टलिस्टेड किए गए। नहीं देखिए बारिश का तो कुछ नहीं किया जा सकता था, तो पर हमने जो अरेंजमेंट था वो हॉल में किया था, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे, तो आप सभी ने देखा है वो। तो आगे की जहाँ तक बात है, हमारे रोजगार मेला जो एक कल भी है हमीरपुर में, वहाँ भी इसी प्रकार का रोजगार मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और जहाँ तक इसकी संख्या की बात है कि बच्चे जो है वो कम आए 1149, उसमें एक रीज़न तो बारिश का भी हो सकता है और दूसरा रीज़न ये कि कल 4 तारीख को जो है हमीरपुर में एक रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है। हाँ जी, इसमें 52 कंपनीज ने जो भाग लिया है, इसमें से कुछ एक कंपनियाँ बाहर से भी थी।